उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को त्रिपुरा के विधानसभा के चुनावी दौरे पर हैं। उन्होंने यहां दो विधानसभा क्षेत्र बागबासा और कल्याणपुरा प्रमोद नगर में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और एक क्षेत्र में रोड शो कर विकास कार्यों के बलबूते दूसरी बार त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनाने की अपील की। अपनी चुनावी रैलियों में योगी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास देश को ठगने का रहा है। वहीं सीएम ने दौरे के दूसरे दिन अगरतला के धालेश्वर स्थित महायोगी गोरक्षनाथ मंदिर में महादेव की पूजा अर्चना की और जगत कल्याण के लिए प्रार्थना भी की। त्रिपुरा ने एक लंबे समय तक कम्युनिस्टों के कुशासन को देखा है, उनकी अराजकता को देखा है, उनकी गुंडागर्दी को छेला है। उनके द्वारा त्रिपुरा के सामने जिस प्रकार का भीषण संकट खड़ा किया गया था उसको त्रिपुरा के लोगों ने देखा है, छेला है। 5 वर्ष पहले तक ही कांग्रेसों का कुशासन त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा के नौजवानों को बेरोजगार बना रहा था, किसानों को बदहाल बना रहा था, माता और बहनों की सुरक्षा को खतरे में डालता था, योजनाओं का लाभ किसी को नहीं मिल पाता था, असुरक्षा का वातावरण था। लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का लाभ जब त्रिपुरा को मिला, बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं मिलनी प्रारंभ हुई।